सिर्फ ये देखो इतनी सी क्वांटिटी में मैंने ली है। मान लो मुझे यहां पर पिगमेंटेशन है, यहां पर, ठीक है, तो आपने इसको कैसे लगाना है वो बताने वाली हूँ मैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स। गाइस कैसे हो आप सब? गाइस आज का वीडियो देखकर ना आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे, क्योंकि आज का वीडियो जो है ना काफी टाइम से आप इसका वेट कर रहे थे। मेरे बहुत सारे पुराने प्यारे प्यारे व्यूअर्स जो है मुझे बहुत टाइम से कह रहे थे कि दीदी कोई ऐसी क्रीम बताओ जो कि हमारे मलाज्मा यानी कि हमारी हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो आज जो है ना टाइम आ गया है आपके साथ वो क्रीम शेयर करने का, जिसको फॉलो करके आप अपने मलाज्मा की, अपने हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो, अपने मलाज्मा की प्रॉब्लम को जो है ना कम कर सकते हो, अपनी स्किन को ब्राइटन कर सकते हो, आपकी स्किन टोन को हेल्दी बना सकते हो। तो आज आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई हैं, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। ये देखिए कितनी प्यारी सी क्रीम है, इसकी पैकेजिंग ही बड़ी प्यारी है। ये देखो इस तरह से ये बॉक्स में आती है, यहाँ ट्रांसपेरेंट है जहां पर आपको ये दिख रही होगी कि अंदर ये क्रीम है। अभी मैं आपको खोलकर भी दिखाऊंगी। ये जो है ना गैल केयर की क्रीम है, जो कि फाइनोमैक्स के नाम से आती है, फाइनोमैक्स टीएक्स क्रीम, जो कि स्पेशली जो है ना मलाज्मा हाइपर पिगमेंटेशन को कम करने के लिए बनाई गई है। तो इस तरह की इसकी पैकेजिंग है, मैं आपको खोलकर भी दिखा देती हूँ। व्हाइट कलर के बॉक्स में आती है ये, इस तरह से एक बॉक्स निकलेगा इसमें से, और इसमें से निकलेगी ये इतनी सी ट्यूब। ये देखो इतनी सी लग रही है ना आपको, कि आप सोच रहे हो कि इतनी छोटी सी है, लेकिन ये छोटी सी क्रीम जो है ना ये आपके लिए बहुत बड़े वाला काम करने वाली है सच में। क्योंकि आपको जो है ना घबराने की जरूरत नहीं है कि ये बहुत कम क्वांटिटी में होगी, ये मत सोचो, क्योंकि आपने इसकी क्वांटिटी ही बड़ी कम यूज करनी है, कि इतनू से अमाउंट में आपने अपने पूरे फेस पर लगानी है, जहां आपको मलाज्मा हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वहां पर लगानी है सिर्फ। तो ये आपकी जो क्रीम है ना आराम से एक महीना चल जाएगी, क्योंकि जितनी प्रॉब्लम है ना उसके अकॉर्डिंग ये चलेगी। आपका फेस अगर पूरा भरा हुआ है तो 15 दिन निकल सकती है, अगर थोड़ा थोड़ा पिगमेंटेशन है, मलाज्मा है, तो आपकी ये 1 मंथ भी चल सकती है। तो डिपेंड करता है स्किन प्रॉब्लम पर, कि आपकी स्किन प्रॉब्लम आपकी कितनी है। गाइज ये क्रीम जो है ना ये इतनी इफेक्टिव आपके लिए हो सकती है, आप अच्छे से सो सकते हो, क्योंकि मैंने खुद इस प्रॉब्लम को फेस किया है, मलाज्मा की प्रॉब्लम को फेस किया है। जब ये मलाज्मा पिगमेंटेशन हो जाती है ना तो इसको भगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और मेरे एक दो सब्सक्राइबर्स ऐसे भी हैं जो मुझसे बहुत टाइम से, ये लगा लो जब से चैनल है तब से जुड़े हुए हैं, और उनको पिगमेंटेशन स्पेशली मलाज्मा की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा जब पिगमेंटेशन बढ़ जाती है ना वो मलाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो चकत्ते टाइप सी पिगमेंटेशन टाइप हो जाता है। तो उसको ट्रीट करने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने बहुत सारी होम रेमेडीज भी फॉलो की हैं, लेकिन उनको उतना ज्यादा रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि प्रॉब्लम हमारी जितनी पुरानी होगी ना उसको सॉल्व करने के लिए भी हमें उतना ही टाइम लगता है। तो इसलिए जो है ना होम रेमेडी थोड़ा स्लो वर्क करती है, लेकिन रिजल्ट जरूर मिलता है, लेकिन पेशेंस होना चाहिए उनको फॉलो करने के लिए, कि हमें लंबे टाइम तक उसको फॉलो करना पड़ता है तब रिजल्ट मिलता है। लेकिन आज जो है ना ये क्रीम जो है मैं आपको दिखा रही हूं ना, ये क्रीम सच में काफी अच्छा वर्क करने वाली है। जिन लोगों को मलाज्मा की प्रॉब्लम है उन लोगों ने इस क्रीम को लेना है, गैल केयर की है, काफी अच्छी है, ठीक है। फाइनोमैक्स टीएक्स के नाम से मिलती है ये, इसके जो लिंक है मैं आपको दिखा दूंगी। आपने सिर्फ ये देखो इतनी सी क्वांटिटी में मैंने ली है। मान लो मुझे यहां पर पिगमेंटेशन है, यहां पर, ठीक है, तो आपने इसको कैसे लगाना है वो बताने वाली हूं मैं। ये देखो ये लगाना है आपने, और लगा के इसको तब तक आपने इसके ऊपर मसाज करनी है जब तक कि ये पूरी तरह से आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं हो जाती, एब्जॉर्ब नहीं हो जाती। और फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है, इसके अंदर सारे अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जिससे ये क्रीम जो है अच्छा वर्क करेगी। ज्यादातर जो मेडिकल स्टोर वगैरह से मलाज्मा की क्रीम वगैरह लेते हो ना, बड़ी गंदी स्मेल आती है, टॉलरेट नहीं होती, लेकिन इसमें से बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है। ये देखो ये देखो ये मेरी स्किन के अंदर चली गई है। तो आपने भी ना इसको तब तक लगाकर इस तरह से रब करते रहना है जब तक कि आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो जाती। तो कितना आसान सा तरीका है इसको यूज करने का। आपने ना इस क्रीम को दिन में एक बार तो देखो लगाना ही लगाना है, लेकिन अगर आप दो बार भी लगाते हो तब भी काफी अच्छा रहेगा, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी ही लीजिएगा, क्योंकि फिर आप कहोगे कि ग्रीसी हो गया। अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी लोगे तो जो है ना स्टिकी सा लगने लगता है, तो स्टिकी नहीं करना, आपने उतनी क्वांटिटी में लो। और ये जो मैंने यहाँ इतने से एरिया में लगाई है ना, इतनी सी आपके जो है इतने हाफ फेस के लिए भी सफिशिएंट रहेगी,
समझे आप, अगर आपको एक साइड पूरे एक साइड पर पिगमेंटेशन है तो इतनी सी क्रीम जितनी मैंने यहाँ लगा के दिखाई है ना, ये आपके लिए इतने एरिया के लिए सफिशियंट रहेगी। तो अमाउंट का ध्यान रखना, कोई बात नहीं, जब आप लगाओगे आपको पता चल जाएगा कितनी क्वांटिटी आपने लेनी है। तो बस ये बहुत अच्छी है, इसको ट्राई करके देख लो। अगर लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक डालूंगी, वहां से लिंक चेक करना। लिंक पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप ओरिजिनल अच्छे वाला प्रोडक्ट रिसीव करोगे, इधर उधर से ट्राई मत कीजिएगा। जो लिंक दूंगी वहां से करके मंगवाओगे तो ओरिजिनल प्रोडक्ट भी आपको रिसीव होगा, ठीक है। आप इसको जरूर जरूर ट्राई कीजिएगा। गाइस इस क्रीम की एक खासियत और ये भी है कि इसके अंदर एसपीएफ 50 आपको मिलेगा। एसपीएफ 50 है तो ये आपकी स्किन को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि ये जो है ना सनस्क्रीन का काम भी करने वाली है। ओवरऑल ये आपकी जो स्किन टोन है उसको लाइटन बनाएगी, क्योंकि इसके अंदर है कोजिक एसिड। कोजिक एसिड हमारी स्किन कॉम्प्लेक्शन को पहले से ब्राइटन करता है, निखारता है, ये कह लो हमारा कॉम्प्लेक्शन पहले से ज्यादा सुंदर दिखने लगता है, स्किन हमारी ग्लोइंग हो जाती है, हेल्दी होती है, शाइनी होती है। तो कोजिक एसिड इसके अंदर डाला गया है, नियासिनमाइड डाला गया है, वो भी बड़ा अच्छा होता है। और भी बड़े अच्छे अच्छे से इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपकी स्किन की प्रॉब्लम को भी दूर करेंगे, साथ साथ आपके कॉम्प्लेक्शन को भी निखारेंगे, आपकी स्किन टोन को हेल्दी बनाकर रखेंगे, और साथ साथ ना यूवी रेज जो हमारी स्किन को डैमेज कर जाता है, सन टैन दे जाता है, उस प्रॉब्लम को भी दूर करेंगे, क्योंकि इसमें मिल रहा है एसपीएफ 50। तो हो गया ना बहुत बढ़िया वाला क्रीम, आपकी जो है मलाजमा की प्रॉब्लम को भी दूर करेगा, सन टैन की प्रॉब्लम को भी दूर करेगा, यूवी रेज से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा, आपके कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन करेगा। इतने सारे फायदे हैं इस छोटी सी क्रीम के। ये छोटी सी क्रीम बड़े कमाल की है, लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो जरूर जरूर लाइक करो, कॉमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करो। मिलूंगी आपको फिर से अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।